से सैल्यूट करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। हम लोगों को साफ साफ दिखाई दे रही है वो यूनिटी एप्रिशिएबल है, और जेएनयू वाइस चांसलर को भी ये बताने की जरूरत है कि हमारे बीच के डिफरेंस होते होंगे लेकिन दुश्मन पहचानना हमें आता है। लेने लग गया भाई प्रोटेस्ट के लिए। उनको बताया गया कि कल जो वीसी हाउस तक लोग गया था वो यही बताने के लिए गया था कि कोई जगह नहीं देंगे छुपने के लिए, एक जगह नहीं देंगे। आप जिस मकसद से इस कैंपस में आए हैं वो मकसद हमको पता है, और हम इस मकसद से एड ब्लॉक आए हैं वो भी आपको बताकर ही जाएंगे, इस बात का मुगालता मत रखिएगा। इनको ये बताने की जरूरत है कि इस कैंपस में अब लड़ाई आर और पार की है। इनको ये बताने की अब इस कैंपस में इस वाइस चांसलर को जाना ही होगा। ये शुरुआत हम लोग आज एड ब्लॉक पर आकर कर रहे हैं, ये इनको बताना है। जैसे कल कॉमरेड ने बहुत अच्छी, जो गाना मैंने नहीं सुना था उसकी बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि बहुत हुआ सम्मान आज तेरी ऐसी की तैसी, और भेज
सिले फरमान, अब तो तेरी ऐसी की तैसी, अब तो दिखा देंगे कि आइड ब्लॉक किसका है और कल यहाँ पर कौन रहेगा। वीसी आते भी हैं और वो जाते भी हैं, यहाँ का स्टूडेंट है जो इस कैंपस को बनाए हुआ है और इस सरकार को, और ये मुगलते में वाइस चांसलर ना रहे कि हम लोग सिर्फ इस कैंपस में यहाँ बैठे रह जाएंगे। इस सरकार को जिसने इसको अपॉइंटी बना के भेजा है वहां पर भी आ रहे हैं, इंतजार करिएगा। ये वही सरकार है जो इस कैंपस में नहीं बल्कि तीन यूनिवर्सिटीज में सिर्फ अपने फायदे के लिए इन लोगों ने, क्योंकि वो वाइस चांसलर इनकी नहीं सुन रहे थे, इनके कहने से नहीं चल रहे थे, तीन वाइस चांसलर का बदली कर दिया जाता है। वहीं इनके महान आरएसएस के प्रवक्ता जो बीएचयू के वाइस चांसलर बन के बैठे हुए हैं, उनका ये वो छुट्टी पे उनको भेज दिया जाता है जबकि वो एक महीने बाद रिटायर होने वाले थे। लेकिन अब इनको ये बताने की जरूरत है कि इस कैंपस में या तो हम रहेंगे या ये वाइस चांसलर रहेंगे। संख्या में आकर इस यूनिटी को दिखाकर हम बस यही चेतावनी देने गए हैं कि आज अब मैदान में आ जाइए दोस्त, आज आपका नंबर आ गया है, आपका नंबर यहीं से। कल से यूनिवर्सिटी स्ट्राइक पर हम लोग जाएंगे, कल से कोई क्लासेस नहीं चलेगी। कुछ कॉमरेड्स का, कुछ साथियों का ये कहना है कि उनका आखिरी दिन है रजिस्ट्रेशन का, उनको हम लोग एकदम रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ करेंगे क्योंकि इस एडमिनिस्ट्रेशन पे हमको कतई भरोसा नहीं। इसीलिए कल से यूनिवर्सिटी स्ट्राइक पर हम जाएंगे और 15 तारीख को MHRD को जाके बोलेंगे कि जो पुतला बैठाए हो उसको हटाओ, नहीं तो हम सबसे अपील है कि इस यूनिटी को बनाए रखिए, इस यूनिटी को हमको और आगे लेके जाना है। और कल से यूनिवर्सिटी स्ट्राइक हर दिन सक्सेसफुल करेंगे और इस वाइस चांसलर की नाक में जितना दम हो उतना आप करके दिखाएंगे। इनका हमेशा का रहता है कि जैसे स्टूडेंट थोड़ी सी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं इनका फरमान भेजना चालू हो जाता है, ऑनरेबल हाईकोर्ट इनको याद आ जाता है, आप भेज लो, आप देखी जाए, तुम भी भेज लो और हम भी आ गए हैं, अब देखते हैं कि दम किस में है, अब देखते हैं। हमने 15 को MHRD पे सबके साथ हम लोग मार्च करेंगे, इस वीसी को हटाने के लिए मार्च करेंगे और आज यहाँ पे हम लोग अपना एक चिट लिख के लाए हैं, उसमें ये लिखा हुआ है बस कि दिस इज नॉट आर वीसी एंड दिस वीसी इज अक्यूज्ड ऑफ, तब वो हम लोग भर के अपने अपने अकेले अकेले भर के, और नीचे लिखा होगा JNU स्टूडेंट्स इस पूरे एड ब्लॉक को पाट दीजिए और उसको बता दीजिए कि किसका पाट देंगे और बताइए कि किसका है या रहने लायक कौन है। इनका कोई मॉरल अथॉरिटी, कोई एथिकल अथॉरिटी नहीं है इस यूनिवर्सिटी को चलाने का, जब इस यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े स्टेक होल्डर से बात करने के लिए ये आदमी तैयार नहीं है। तो ये वीसी को आउट ऑफ बाउंड्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं, ये पनिशमेंट क्या दिखा रहा है, हम लोग इसके खिलाफ आज यहाँ से पनिशमेंट निकालेंगे। हम आज यहाँ से बोलेंगे कि भैया तुम्हारे दिन भर गए हैं, बोरिया बिस्तर बांध लो, ये आज इसको साफ साफ शब्दों में कोई कोना मत छोड़िएगा इस एड ब्लॉक का, जो ये बात बात में पेंट करते रहता है सैफरन कलर का, सारा कोना नहीं छोड़ेंगे। Thank you.
ऐसी सुन लो आज तुम्हारी ऐसी तैसी। अबे कान लगा के बोलो यार तुम्हारी ऐसी तैसी। आप सबसे अपील है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पीछे सब लोग इस पे लिखे कि ये वीसी हमको क्यों नहीं चाहिए। इस वीसी ने भी लिख देना।